लोग आए दिन सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। कभी कभी तो ये भी नहीं देखते कि सामने कौन है। कीर्ति चक्र विजेता कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह के बारे में भी एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी की। इस करतूत ने सोशल मीडिया पर लोगों को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि उसने शहीद की पत्नी पर अश्लील बात कही। दरअसल कैप्टन अंशुमान सिंह को मरणोपरांत 6 जुलाई को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया और उनकी पत्नी स्मृति और मां ने इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से प्राप्त किया, जिसके वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। सोशल मीडिया पर जहां कई यूजर शहीद को श्रद्धांजलि दे रहे थे, वहीं एक दिल्ली निवासी अहमद नाम के व्यक्ति ने शहीद की पत्नी स्मृति पर अश्लील कमेंट किया। जब कमेंट वायरल हुआ तो यूजर्स उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW ने भी अभद्र टिप्पणी को संज्ञान में लिया और दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने और 3 दिनों के अंदर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा। अब ये जान लीजिए कि जिस शहीद की पत्नी पर भद्दा कमेंट किया गया वो है कौन। 26 साल के कैप्टन अंशुमान सिंह सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सेना के शिविर में अपने सहयोगियों को बचाने की कोशिश करते हुए शहीद हो गए थे। 19 जुलाई 2023 की रात में जिस कैंप में वे थे, वहां भारतीय सेना के गोला बारूद के भंडार में शॉर्ट सर्किट हुआ, उस कारण आग लग गई। कैप्टन सिंह ने एक हट को आग की लपटों में घिरा देखा तो तुरंत अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए पहुंच गए। उन्होंने 4 से 5 लोगों को बचा भी लिया था। हालांकि आग जल्द ही पास के मेडिकल रूम में भी फैल गई। कैप्टन सिंह फिर से कैंप के धधकते हुए हिस्से में चले गए। अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद वे आग से बच नहीं पाए और शहीद हो गए। बिहार के भागलपुर में 22 जुलाई 2023 को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और 6 जुलाई 2024 को उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और भी खबरों के लिए नेशन मिरर को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।